बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर? होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ट्रेंड्स हाई स्कूल। आई एम योर सोशल स्टडी टीचर ऑफ क्लास 3 एंड दिस लेक्चर इज गिवन टू यू बाय ट्रेंड्स हाई स्कूल। एज यू नो स्टूडेंट्स, हियर इज योर लेक्चर नंबर 2। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में अपना यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 द सिटीज ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ की रीडिंग की थी। द सिटीज ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के शहर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर कौन कौन से हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा, सखर, हैदराबाद एंड कराची। आए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन करें और पेज रेडी करें। यू कैन सी द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ पाकिस्तान ऑन द मैप। आप स्टूडेंट्स मैप के ऊपर पाकिस्तान के टाउन्स एंड सिटीज को देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैप रीड करके भी बताया था कि आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान के मैप के ऊपर यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, हैदराबाद, क्वेटा, कराची, पेशावर। नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत किस सिटी में है? इस्लामाबाद में। फैसलाबाद इज कार्ड एंड इंडस्ट्रियल सिटी। फैसलाबाद हमारे पास इंडस्ट्रियल सिटी, हम फैसलाबाद को कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर हंड्रेड ऑफ फैक्ट्रीज देयर, क्योंकि इसमें बहुत सी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? कराची। इट इज लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी। द पोर्ट ऑफ कराची इज यूज बाय ट्रेडर्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पेज पे आए स्टूडेंट्स, ऑल द सिटीज एंड टाउन्स आर लिंकेड बाय रोड, रेल और एयर रूट्स। सम सिटीज आर आल्सो लिंकेड बाय एयर टू अनदर कंट्रीज। ऑल द सिटीज एंड टाउन आर लिंकेड बाय, जितनी भी सिटीज और टाउन्स हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं रोड से, रेलगाड़ी से, रेल से और एयर रूट से। ठीक है, सम सिटीज, कुछ शहर ऐसे हैं आर आल्सो लिंकेड बाय एयर टू अदर कंट्रीज, जिन जो कि हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ भी लिंक करते हैं। अब आप स्टूडेंट्स पिक्चर्स पे देख सकते हैं, आपके पास ये पिक्चर है, इसके ऊपर एरोप्लेन बना हुआ है। प्लेन्स एट अ बिजी एयरपोर्ट गेटिंग रेडी फॉर टेक ऑफ। अब स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आपको एरोप्लेन नजर आ रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, और जो है इसके अंदर मुसाफिर बैठ रहे हैं सफर करने के लिए। एन इंटरसिटी बस, ये आपके पास आपको पिक्चर में बस नजर आ रही है। ठीक है, आप पाकिस्तान रेलवेज कवरेज, और ये पाकिस्तान की रेलवे जो लाइंस होती हैं ये वो हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 द सिटीज ऑफ पाकिस्तान की रीडिंग, जिसमें हमने पाकिस्तान की सिटीज के बारे में स्टडी किया। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सब ने इस चैप्टर की बार बार रीडिंग करनी है ताकि ये आपको अच्छे से आ जाए। आए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। आप सब अपनी कॉपी का पेज रेडी करें। फ्रेंड्स, पेज रेडी करें, डेट मेंशन करें। आज का डेट है 28 मई 2021, लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, द सिटीज ऑफ पाकिस्तान, और डे क्या है? आज फ्राइडे। आए स्टूडेंट्स, अब हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, व्हाई इज फैसलाबाद कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल सिटी। फैसलाबाद को हम इंडस्ट्रियल सिटी क्यों कहते हैं? आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स। आंसर, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज देयर देयर आर बिकॉज देयर आर हंड्रेड
HUNDRED 100 of factories 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 in the city 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 of Faisalabad. फैसलाबाद. स्टूडेंट्स रिपीट करती हूँ मैं अपने आंसर को. बिकॉज देयर आर हंड्रेड ऑफ फैक्ट्रीज इन द सिटी ऑफ फैसलाबाद. फैसलाबाद को इंडस्ट्रियल सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हंड्रेड फैक्ट्रीज हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अपने यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 द सिटीज ऑफ पाकिस्तान की रीडिंग को कंप्लीट किया और इसके साथ इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व आउट किया. आपने ये क्वेश्चन नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और इसको जुबानी याद भी करना है. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.